सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और प्रेस द बेल आइकन मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेरा नाम है मिस्टर जमन और आप लोग देख रहे हो जमन ऑफिशियल क्रिएशन। हम सभी तरह मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो का एंड तक देखें, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड। जी हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस पर आए बड़े खबर। आप 10 मिनट में आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो। जी हाँ, आप लोग पोस्टर में देख ही रहे हो आप 10 मिनट में डीएल, ठीक है। तो आप लोग कैसे 10 मिनट में डीएल आप लोग बनवा सकते हो मैं आपको प्रोसेस करके दिखाऊंगा, तो अंत तक बने रहेगा वीडियो में। या फिर देखिए, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे देख सकते हो, आपको आरटीओ के चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो पहले रूल था वो काफी ज्यादा कि आरटीओ में जाना पड़ता था, वहां पे चक्कर लगाना पड़ता था, बहुत सारी दिक्कत आ रही थी। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, आपको आवश्यकता नहीं है कोई जाने की, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कोई जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप लोग घर बैठे ही मंगवा सकते हो, ठीक है। तो नए नियम कानून और भारी भरकम अड़चना लगाने की भय से आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस लगाने वाले भीड़ के बाद केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने इस नियम को लागू करने में लगी है। जी हाँ, बिल्कुल, केंद्र सरकार ने पहला जो नियम था वो नियम को उन्होंने चेंज कर दिया है। अब अपना चालान कटवाने से पहले ही सावधान हो जाइए, मतलब लाइसेंस बनवा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपको बता दें कि आप अपने घर बैठे ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस 10 मिनट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले आपके सड़क परिवहन की अधिकारी वेबसाइट, जहाँ यही है मेन ऑफिशियल वेबसाइट, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो, पर जाना होगा। और आपको सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। जी हाँ, आपको ड्राइविंग लाइसेंस से पहले आपको एक लाइसेंस बनवाना होगा जिसका नाम है लर्निंग लाइसेंस, ठीक है, लर्नर लाइसेंस। तो वो लर्नर लाइसेंस आपको बनवाना होगा, तो वही 10 मिनट लगता है, आप घर बैठे ही मंगवा सकते हो, ठीक है। लॉगिन में अप्लाई करने के बाद, ठीक है, लर्निंग अप्लाई करने के बाद आपको एक डेट मिलेगी, उसी डेट पर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की परीक्षा देनी होती है, और परीक्षा पास करने के बाद आपका आपका जो लर्निंग लाइसेंस बन जाता है। फिर आप 5 महीने के भीतर अपना परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो। जी बिल्कुल, आप जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 सिस्टम आपको दिखा देता है, आधार बेस्ड, ठीक है। मैं दिखाऊंगा आपको लाइव प्रोसेस वो किस आधार पर आपका करना होता है। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक परीक्षा देना पड़ता है, और परीक्षा आपका कंप्यूटर बेस्ड, आप घर भी दे सकते हो, खुद दे सकते हो, ठीक है। तो वो परीक्षा देके आप मात्र 10 मिनट पर अपना लर्नर लाइसेंस अपना सकते हो। तो लर्नर आने के बाद आप लोगों को 6 महीने समय मिलता है, 6 महीने के अंदर आपको डीएल अप्लाई करना पड़ता है, फिर आपको आपको टेस्ट ड्राइव दिखाना होता है, उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है। तो ठीक है, मैं आपको वेबसाइट में लेकर चलता हूँ जाके आप अप्लाई कर सकोगे, ठीक है। तो सिंपल, आप जिस भी ब्राउजर में चले जाइए, जाके परिवहन आप सर्च कीजिए गूगल में, ठीक है। जब आप परिवहन सर्च करेंगे तो जो परिवहन का जो मेन वेबसाइट है वो यहाँ पे खुल जाएगी। आप देखिए, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ जाने के बाद यहाँ पे देखिए ऑनलाइन सर्विस, ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन सर्विस है, दिखा रही है ऑनलाइन सर्विस का, ठीक है। तो वहां जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए ड्राइविंग रिलेटेड सर्विस, ठीक है, ये ड्राइविंग रिलेटेड का जो सर्विस है इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस इन दिस पोर्टल आर अवेलेबल ओनली फॉर द स्टेट लिस्टेड बिलो, यहाँ पे जिस स्टेट का नाम होगा सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। जी हाँ, यहाँ पे देखिए लगभग सभी इंडिया में सभी राज्यों का नाम यहाँ पे है, स्टेट का नाम यहाँ पे है, देखिए असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, लगभग सभी है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप अगर असम में हो तो असम सेलेक्ट करते हो, मैं असम से बिलोंग करता हूँ तो मैं असम सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल आपको ये यहाँ पे देखिए कुछ एक पॉपअप आया है, यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन दिया गया है, तो इस ऑप्शन को आपको जाने की जरूरत नहीं, सिंपल से आप स्किप कर दीजिए। स्किप करने के बाद यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, यही है मेन जो मैं आपको बारे में बता रहा हूँ, यही है मेन। आपको ड्राइविंग लाइसेंस से पहले आपको ये लर्नर लाइसेंस आपको लानो लाइसेंस आपको मंगाना होगा, ठीक है। तो यही किस तरह से आपको अप्लाई करना है मैं प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आने के बाद सिंपली अप्लाई फॉर लानो लाइसेंस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फॉलोइंग आर द स्टेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर अप्लाइंग लानो लाइसेंस, यहाँ पे देखिए ये सारा जो ऑप्शन दिया गया 7 ऑप्शन, यहाँ पे आपको ये सारा ऑप्शन आपको फॉलो करना होगा। तो ये फॉलो फर्स्ट क्या है, फिल द एप्लीकेशन डिटेल्स, आपको एप्लीकेशन डिटेल्स फिल करना होगा। उसके लिए अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है। इन केस ऑफ केवाईसी थ्रू आधार ओनली सिग्नेचर नीड टू बी अपडेटेड, अगर आप आधार बेस करना चाहते हो तो केवाईसी आपको ओनली सिग्नेचर ही अपलोड करना होता है। फोटो आधार कार्ड में जो फोटो है फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ता, वो आधार कार्ड का जो आपका फोटो है वो खुद ले लेता है, लेकिन वो जो सिग्नेचर जो होता है वो आपको मैनुअली अपलोड करना पड़ता है क्योंकि आधार कार्ड में सिग्नेचर नहीं होता है, ठीक है। तो तीसरा नंबर है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना नहीं पड़ेगा अगर आप आधार ई केवाईसी करेंगे तो, इनकेस ऑफ ई केवाईसी थ्रू आधार, ठीक है। अगर आप ई केवाईसी करेंगे तो उसका कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, अगर आप ई केवाईसी नहीं करेंगे तो आपको आरटीओ विजिट करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद फीस पेमेंट, आपको फीस पेमेंट करना होगा। उसके बाद वेरीफाई पेमेंट स्टेटस, आपको जो फीस आपने पेमेंट किया है वो सक्सेसफुली हुआ कि नहीं है, फेल हो गया तो आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद प्रिंट रिसिप्ट, प्रिंट रिसिप्ट करना है। उसके बाद एल एल स्टेट बुक, आपको लर्नर टेस्ट के लिए बुक करना होगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस मैं आपको लाइव दिखा दूंगा। उसके बाद देखिए प्लीज गो थ्रू द रोज सेफ्टी ट्यूटोरियल बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द ऑनलाइन लाइसेंस, तो कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट द कैटेगरी रिगार्ड, आप कौन से कैटेगरी में, आप एप्लीकेशन डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस इश्यूड इन इंडिया, आपका लर्नर लाइसेंस पहले से होल्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपका होल्ड है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर आप नया हो फ्रेश हो पहले आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो पहला नंबर का जो ऑप्शन है वो चूज कर लोगे, ठीक है। ये नंबर जो आपने चूज कर लेना है। दूसरा बच्चों एप्लीकेशन होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे आप लोग देखिए अगर आपका लाइसेंस होल्ड हुआ है तो आप लोग सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसको देखिए एप्लीकेशन होल्ड लर्नर लाइसेंस, आपका लर्नर लाइसेंस अगर होल्ड है तो सिंपली यहाँ पे जाके आपको 30 से 33 नंबर पर आपको क्लिक करना है। तो मैं नया अप्लाई करूंगा, तो इसके लिए एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग और लर्नर लाइसेंस इज इश्यूड इन इंडिया, ठीक है। मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे देखिए ई केवाईसी फॉर्म आपका खोल जाएगा। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन यूजिंग आधार ऑथेंटिकेशन कैन टेक द एलएल टेस्ट फ्रॉम देयर होम, अगर आप लोग आधार बेस करोगे तो आपका जो टेस्ट है वो आपका होम में ही दे सकते हो, मतलब घर में ही बैठे दे सकते हो। एम प्रेफर लोकेशन, आप जहाँ भी प्रेफर हो वहाँ पे आप लोग दे सकते हो। नॉन इट टू विजिट आते, आपको आरटीओ विजिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पासवर्ड फॉर ऑनलाइन एलएल टेस्ट विल बी सेंट, जब आप लर्नर लाइसेंस का जब आप टेस्ट दोगे तो उसके लिए एक पासवर्ड चाहिए होगा। तो पासवर्ड आपका मोबाइल का जो अपने रजिस्टर्ड नंबर आपने दिए जब एप्लीकेशन फिलअप करते वक्त देंगे तो वहाँ पे मैसेज में आ जाएगा, टेस्ट विल बी सेंट इन एसएमएस, देखिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा लिंकेड विद आधार, जो आधार कार्ड में लिंक हुआ है। तो सबसे बात जरूरी है कि मैं एक बात बता दूं, बहुत सारा आदमी ऐसा होता है कि उनका जो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होता है वो मोबाइल नंबर उनके पास नहीं होता है। तो देखिए, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके आधार कार्ड में आपका नंबर लिंक नहीं है तो आप जल्दी से लिंक करा लीजिए, क्योंकि अगर आपका नंबर आधार कार्ड में लिंक नहीं है तो ये आधार एक साइड में बेकार ही है, क्योंकि आप कुछ भी काम में आप नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आधार कार्ड में मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, तो किसी का अगर नंबर खो जाता है तो दूसरा नंबर बनवा लीजिए या तो आधार कार्ड में अपना नंबर चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है, आधार कार्ड में आपका जो मोबाइल नंबर है वो चाहिए होगा और आपके पास होना होगा, ठीक है, क्योंकि उसी में ही एसएमएस आएगा। सक्सेसफुल एप्लीकेंट कैन डाउनलोड हिज हर लर्नर लाइसेंस, आप जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे टेस्ट देने के बाद उसके साथ ही आप तुरंत ही लर्नर लाइसेंस जो है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेंट, यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट विदाउट आधार नीड टू विजिट, अगर आपके आधार कार्ड के बिना आप दे सकते हो दोगे तो नीड टू विजिट आरटीओ ऑफिस, आपको आरटीओ ऑफिस विजिट करना होगा फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड एलएल टेस्ट इन पर्सन। और जो एलएल टेस्ट है वो आपको आरटीओ में देना होगा और डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन है वो वहां पे होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे दो सिस्टम दिया गया, सबमिट भी आधार ऑथेंटिकेशन और सबमिट विथआउट आधार ऑथेंटिकेशन। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है। विथआउट आधार आप अगर देंगे तो आपको आरटीओ विजिट करना होगा, आरटीओ में जाना होगा, वहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा और टेस्ट आपको वही देना होगा। अगर आप सबमिट भी आधार ऑथेंटिकेशन देते हो तो कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे आप टेस्ट दे सकते हो और घर बैठे ही टेस्ट देने के बाद आप तुरंत ही डाउनलोड कर सकते हो। तो सबमिट भी आधार ऑथेंटिकेशन में आप सिंपली सबमिट कर देना, उसके बाद ये पॉपअप मैसेज आएगा उसको ओके कर देना है। यहाँ पे देखिए असम स्टेट आ गए है, यहाँ पे देखिए आधार नंबर और वर्चुअल आईडी, आप अगर आधार नंबर दे सकते हो और आधार कार्ड का जो वर्चुअल नंबर है वो भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं आधार नंबर आपको डाल के दिखा देता हूँ, उसके बाद जेनरेट ओटीपी, ठीक है। आधार नंबर डालने के बाद उसके बाद जेनरेट ओटीपी आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ही आपके मोबाइल आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मैंने बोला था कि जो मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आधार कार्ड का जो रजिस्टर्ड नंबर है वो यहाँ पे शो कर रहा है 4 डिजिट और वहां पे ये ओटीपी सेंड किया गया है। मैं जल्दी से ओटीपी टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ओटीपी एंटर कर दिया, उसके बाद ये तीनों को आपको राइट क्लिक कर देना है, ठीक है, तीनों को कर देना है, उसके बाद ऑथेंटिकेट आपको कर देना है। जब आप ऑथेंटिकेट करेंगे तो आपका जो देखिए आपका जो आधार कार्ड का जो सारा डिटेल्स है वो यहाँ पे शो, इधर फोटो आ गया है, ठीक है, यहाँ पे सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पे शो कर दिया गया है। तो उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए आरटीओ ऑफिस आपका कौन सा आरटीओ ऑफिस है, ठीक है, यहाँ पे आरटीओ ऑफिस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और देखिए आमिनगांव बांसगांव बरपेटा प्रत्येक जो जिला है वो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आरटीओ ऑफिस दिया गया है। जब मेरा कि मेरा है मरीगांव तो मैं मरीगांव S21 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आपका आरटीओ जहाँ पे हो आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसके बाद यहाँ पे देखिए प्लेस ऑफ बर्थ, तो मैं यहाँ पे मैं अपना प्लेस ऑफ बर्थ डाल देता हूँ जल्दी से। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए तो जैसे आपका प्लेस ऑफ बर्थ दे देने के बाद आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको दे देना है, ठीक है। आप कौन से क्वालिफिकेशन क्रिएट किया तो आपका क्वालिफिकेशन आपको दे देना है। तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन, पोस्ट ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन मैंने दे दिया है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लिया है इसलिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन दे दिया। उसके बाद लैंड नंबर मैंडेटोरी नहीं है, तो यहाँ पे अपना ईमेल डाल देता हूँ, आप अपना ईमेल डाल देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए देखिए मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपको एंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेटिव में यहाँ ये भी डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेम यहाँ पे आ गया है। उसके बाद आपको ये मेन चीज है यहाँ पे देखिए आप लोग आपको कौन सा आप जब ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो आप कौन सा करेंगे, यहाँ पे देखिए मोटरसाइकिल विद गियर ड्रोन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए मोटरसाइकिल विद गियर ये जो स्कूटी है जो कार जो है स्कूटी, ठीक है, एक्टिवा उन लोगों के लिए है, ठीक है। और मोटरसाइकिल विद गियर नॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे देखिये विथआउट गियर मतलब जो स्कूटी होता है उसके लिए, और मोटरसाइकिल विद गियर ये होता है बाइक के लिए, ठीक है। तो मैं सिंपली बाइक के लिए देता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर देना तो यहाँ पर शो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे शो हो गया है, देखिए यहाँ पे आ गया है। तो उसके बाद एज ए लाइट मोटरसाइकिल अगर आप 4 व्हीलर लेना चाहते हो, ठीक है, 4 व्हीलर तो यहाँ पर सिंपली ऐसे क्लिक करके 4 व्हीलर LMB जो है वो यहाँ पर क्लिक करके आपको इस पर इस बटन पर क्लिक कर देना है। तो देखिये दोनों यहाँ पे आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इज द एप्लीकेशन ट्रेन फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल, आपने तो आपने अगर ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल में सीखा होगा तो क्लिक कर देना है, तो अगर नहीं है तो नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए फिलअप फॉर्म 1 डिटेल्स बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिटनेस का आपका जो फॉर्म होता है वो आपको फिलअप करना है। इसके लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जब आप फॉर्म डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्म खुल जाएगा, तो आपको पहला जो है वो नो कर देना है, उसके बाद यस कर देना है, दूसरा को यस कर देना है, उसके बाद सारा का सारा नो कर देना है, ठीक है। अच्छी तरह से ध्यान दे, ये सारा का सारा नो होगा, सिर्फ सेकंड वाला यस होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई हैव डिक्लेयर यहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करेंगे तो ये जो फिटनेस का फॉर्म है यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल हो गया है, तो आप क्लोज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन, अगर आप अपना अगर आप एक्सीडेंट हो जाते हो कुछ आपका डेथ हो जाता है तो आपका अगर ऑर्गन से आप डोनेट करना चाहते हो तो आप यस कर दीजिए, अगर नो तो आप नो पर क्लिक कर दीजिए। आई हर बाय डिक्लेयर डेट यहाँ पे देखिए डेट to the best of my knowledge and behalf of the particulars given above are true, ठीक है। यहाँ पर क्लिक ऑलरेडी हुआ तो सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट इन प्रेजेंट सर, मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रह गए थे सॉरी गाइस, तो आपको डिस्ट्रिक्ट इंटर कर देना है। मरीगांव मैंने डाल दिया है ठीक है, यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट मायांग है मेरा, तो आपका जो सब डिस्ट्रिक्ट है आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ पे विलेज टाउन, आपका जो विलेज है यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा जब आपका सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली ठीक है। तो मैंने मैंने अपना गाँव सिलेक्ट कर लिया, तो अपना अपना गाँव सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सबमिट पर बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए मेरा जो यहाँ पे देखिए शादी परिवहन देखिए यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली कैंडली नोट योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरा जो एप्लीकेशन नंबर है वहाँ पे यहाँ पे आ गया है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सारा का सारा कुछ यहाँ पे कम्प्लीट होके आ गया है, आप लोग देख सकते हो एप्लीकेशन नंबर सारा कुछ यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपको क्या कर देना है, सिंपली नेक्स्ट कर देना है ठीक है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देने के बाद यहाँ पे देखिए सारा कुछ आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ईशा वाला लाइसेंस यहाँ पे देखिए सारा आपका कंप्लीट आ गया। यहाँ पे देखिए अपलोड सिग्नेचर, यहाँ पे देखिए फिल एप्लीकेशन डिटेल्स, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आपको क्या करना होगा, फिर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जब आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे यहाँ पे फोटो ऑलरेडी आ गया है, तो आपको क्या करना है सिग्नेचर, यहाँ पे देखिए फोटो सिलेक्ट करने के नहीं आ रहा, मतलब ये फोटो यहाँ पे आ गया है लेकिन जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे आपको देने के लिए बोल रहा है। तो आपको ये सिंपल सा सिग्नेचर आपको दे देना है ठीक है। तो मैं कर देता हूँ सिग्नेचर को अपलोड। तो गाइस सिग्नेचर मैंने यहाँ पे चूज कर लेता हूँ सिग्नेचर, तो यहाँ पे देखिए मेरा जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे सक्सेसफुल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड एंड व्यू, अपलोड और व्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए मेरा सिग्नेचर जो है यहाँ पे शो हो गया है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, सेव फोटो एंड सिग्नेचर फाइल्स यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अपलोड सक्सेसफुली कम्प्लीट हो चुका है ठीक है, अपलोड सक्सेसफुली कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। जब हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो फी पेस पेमेंट टू बी डन बाय एप्लीकेंट सारा 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 कंप्लीट हो चुका है, टू बी डन बाय एप्लीकेंट आपको आप फीस कर देना है, आपको जो पेमेंट है वो आपको कर देना होगा ठीक है। यहाँ पे देखिए सारा का सारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है आ गया है। तो उसके बाद आपको क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, ये जो रोड ये पर देखिए वॉचिंग रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल मैंडेटरी, ये मैंडेटरी ये जब आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक वीडियो शो होगा, तो ये वीडियो आप पेमेंट करने के बाद भी आप देख सकते हो, लेकिन ये वीडियो अगर आप शो नहीं करेंगे मतलब सीन नहीं करेंगे तब आप टेस्ट आप नहीं दे पाएंगे ठीक है। इसके लिए मैंडेटरी है कि ये देखना ही पड़ेगा, जितना टाइम ये चलता रहे और इस वीडियो का भी स्किप नहीं कर सकेंगे, काट नहीं कर पाएंगे, एक लगातार आपको देखना पड़ेगा कम्प्लीटली, तभी आप टेस्ट दे सकते हो ठीक है। तो ये फिलहाल यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो वीडियो ओपन हो जाएगा ठीक है। तो ये आप अभी कर सकते हो या पेमेंट करने के बाद भी कर सकते हो, आपका मर्जी है ठीक है। उसके बाद प्रोसीड कर देना है, मैं पेमेंट फास्ट कम्प्लीट हो जाने के बाद आपको फेस पेमेंट करना होगा। फेस पेमेंट के लिए आपको फेस पेमेंट यहाँ पे देखिए टिक मार्क लगा हुआ है, तो इसके बाद प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जब प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारा फीस यहाँ पे आ गया है ठीक है। मोटरसाइकिल क्या नॉन ट्रांसपोर्ट 150, लाइट मोटर व्हीकल जो फोर व्हीलर के लिए 150 और एलएल टेस्ट 50, टोटल होता है 350। यहाँ पे देखिए 350 यहाँ पे आ गया है, मतलब मुझे 350 पे करना होगा ठीक है। तो ये दोनों के लिए, टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर दोनों के लिए है। तो यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे एक सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा आपको दिख रहा है एक कैप्चा कोड का आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है ठीक है। मैं फटाफट इंटर कर देता हूँ। इंटर कर देने के बाद आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। मिसमैच शायद यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, क्लिक करने के बाद पेन ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे आया गया बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो आपका पेमेंट ऑप्शन है ये यहाँ पे घूम रहा है। यहाँ पे देखिए ई पेमेंट आपको कर देना है, पेमेंट गेटवे यहाँ पे जाने के बाद एक्सिस इजी पे नो चार्जेस ई पेमेंट मैं यहाँ पे कर देता हूँ एग्री और यहाँ पे कर देता हूँ फीस प्रोसीड फॉर पेमेंट
आप यहाँ कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो आपके हिसाब से। तो गाइस यहाँ पे देखिए मेरा जो एक्सिस का जो पेमेंट पेमेंट जो वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर वीपी आपको जो यूपी है वो यहाँ पे इंटर कर देना है। अब पेमेंट मेथड अब अलग अलग पेमेंट मेथड आप सब यूज करके आप कर सकते हो, ठीक है। आप कोई दूसरा रास्ता सुनकर आप पेमेंट कर सकते हो। ये जो कोड है आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है, यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको कंप्लीट पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपका जो मोबाइल का जो ऐप होता है तो वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा पेमेंट करने के लिए। यहाँ पर देखिए ये आ गया है ऑलरेडी, प्लीज वेट फॉर 3 मिनट। मैं फटाफट से मैं मोबाइल में खोल लेता हूँ। यहाँ पर देखिए जब भी मैं अप्रूव कर दूंगा तो यहाँ पे जो ये पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए रिक्वेस्ट मैंने अप्रूव कर दिया है तो यहाँ पे जो ये जो आपको दिख रहा है ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, मतलब ये पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए ये घूम रहा है, उसके बाद ये चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो गाइस कभी कभी ये किए होते हैं पेमेंट हो जाने के बाद पेमेंट हो जाता है लेकिन ये जो वेरिफिकेशन में चले जाते हैं पेमेंट हो जाते हैं लेकिन यहाँ पे इनवैलिड दिखा रहा था, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके अकाउंट से पैसा कट गए तो पेमेंट हो गया है। तो पेमेंट को चेक करने के लिए आपको यहाँ पे आपको आ जाना है। आ जाने के बाद आपको एप्लीकेशन स्टेटस पर जाना है। जाने के बाद यहाँ पे देखिए पेमेंट, मुझे देखिए पेमेंट हो गया है इसीलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है ऑप्शन पेमेंट करने के लिए। तो सिंपली आपको वेरीफाई पेमेंट पर जाना है, ठीक है। जब आप वेरीफाई पेमेंट पर जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको डालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे डाल देने के बाद आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा आपको दिखाई रही है कैप्चा यहाँ पे इंटर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कैप्चा इंटर कर देने के बाद वेरीफाई पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ये आ गया है, ठीक है, पेमेंट स्टेटस यहाँ पे आ गया है। पर देखिए आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए प्लीज वेट, यहाँ पे आपको वेट करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन का जो नंबर है वहाँ पे देखिए टोटल पेमेंट ये स्टेटस ऑफ सक्सेस दिखा रहा है, ठीक है। ये ऑलरेडी सक्सेसफुल पेमेंट सक्सेसफुल ऑलरेडी हो गया है। यहाँ पे रिमार्क आपको यहाँ पे रिसिप्ट दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक है तो प्रिंट रिसिप्ट आपको आप अगर कर सकते हो, ठीक है। आप अगर नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी, मतलब मेरा ये पेमेंट हो गया है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली आपको होम पर आ जाना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन स्टेटस पर आपको फिर से चले जाना है, ठीक है। चले जाने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो एप्लीकेशन नंबर है आपको फिर से यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। डाल देने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद कैप्चा यहाँ पे डाल देना है। आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो एप्लीकेशन का स्टेटस है यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे देखिए रोड शेड्यूल ऑलरेडी मैंने देख लिया है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फीस पेमेंट यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अगर फेल हो जाता है पेमेंट करने वक्त, तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट आप लोग वेट करेंगे, उसके बाद आपका ये पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आप लानर अप्लाई आप हो चुका है, ठीक है। आप लानर टेस्ट आपको देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इफ द लेटेस्ट स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन इज नॉट रिफ्लेक्टेड देन प्लीज क्लिक ऑन रिफ्रेश, ठीक है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा लानर टेक एल एल टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ 15-10 मिनट आपको वेट करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, इसके नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। और टेस्ट कम्प्लीट हो जाने के बाद ही आप 10 मिनट में आपका लानर लाइसेंस जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत 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 थैंक्स, बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। इसी तरह से मेरे वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, क्योंकि मैं इसी तरह से वीडियो हर रोज लाता रहता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू।